दोस्तों नमस्कार, ये जो है मैं एक बोया का माइक्रोफोन ऑर्डर किया था ऑनलाइन में, वो आ पहुंचा है। चलिए इसको देखते हैं। ये मैं पहले से कॉट करके रखा है। मैं इसका पैकेट देखा तो मैं सोचा इसको रिव्यू जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये डुप्लीकेट सा लग रहा है। देखिए यहाँ पे जो है एक सिक्योरिटी लेवल होता है, क्यूआर कोड होता है, इसमें नहीं है, तो मुझे डाउट सा लग रहा है। लेकिन पैकेट सेम है, बोया का बाय M1 एकदम सेम है। देखिए प्रो ऑडियो सीरीज सेम लग रहा है। तो इसके बारे में अगर आपको मालूम है तो जरूर बताइएगा ये डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है। तो फिर भी इसका साउंड चेक करते हैं, साउंड कैसा आता है। ये मैं पहले से रखा हूँ, मेरे मोबाइल रेडमी का नोट 8 लाइट है, तो उसमें कुछ ऐसे ही पिन लगता है, तो मैं ये पिन रखा हूँ ये ईयरफोन यूज करने के लिए। इसमें पाउच है, ये देखिए पैकेट में बोया भी लिखा हुआ है। देखिए शायद अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, बोया लिखा है। इसमें देखते हैं क्या है। इसमें माइक्रोफोन है हमारा, यहाँ पे देखिए ये माइक्रोफोन है। ये मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये कुछ इसका वायर लगभग 6 मीटर का लंबाई है। मैं इसको वायर को खोल देता हूँ, 6 मीटर लंबाई है। लेकिन मुझे डुप्लीकेट सा लग रहा है। और यहाँ देखिए ओरिजिनल में जो है बोया लिखा होगा, इसमें भी लेकिन लिखा हुआ है बोया। देखिए आप देख सकते हैं बोया लिखा हुआ है। अब इसमें क्या है, एक यूजर मैनुअल है जो हम लोग जिसको पढ़ के कुछ हेल्प होगा जिसको मालूम नहीं है। वो एक छोटा सा पैकेट है, पैकेट में क्या है, एक फॉर्म है, वो फॉर्म इसमें लगेगा, माइक्रोफोन में फॉर्म लगेगा। इसको सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद यहाँ पे देखिए एक बैटरी है और एक एडाप्टर है। ये एडाप्टर जो है हम लोग साउंड सिस्टम में यूज कर सकते हैं, इसको एडाप्ट करके साउंड सिस्टम में यूज कर सकते हैं। तो चलिए आप, ये डुप्लीकेट तो लग रहा है फिर भी इसको मैं रिव्यू कर रहा हूँ। अगर साउंड अच्छा है तो मैं यूज करूँगा, अगर अच्छा नहीं है तो मैं इसको रिटर्न करूंगा। ये बैटरी जो है यहाँ पे देखिए, ये कैमरा, ये ऑफ करेंगे तो स्मार्टफोन, जो बैटरी का जरूरत कैमरा में यूज करेंगे तो पर इसको यहाँ से खोल सकते हैं और यहाँ पे बैटरी लगा सकते हैं। यहाँ देखिए सबसे दिखाई दे रहा होगा। तो मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ इसलिए बैटरी का जरूरत नहीं है, इसलिए मैं बैटरी रख दूंगा। अभी जो मेरा साउंड आ रहा है दोस्तों, ये मेरा रेडमी का नोट 8 लाइट से आ रहा है। अब जो आने वाला है वो ये बोया का माइक्रोफोन से आएगा। ये मैं अपने शॉक में अटैच कर लेता हूँ। अटैच करने के बाद इसको भी यहाँ पे अटैच कर लेता हूँ। जैसे कि बोया का माइक्रोफोन में जो है ये हमेशा ऑफ रहना चाहिए, अगर मोबाइल में वीडियो बना रहा है तो ये एकदम ऑफ होना चाहिए, मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है तो ये ऑफ होना चाहिए, ऑन कैमरे के लिए बस। और इसको अटैच कर देता हूँ। अभी जो मेरा आवाज़ आ रहा है वो रेडमी का नोट 8 लाइट से आ रहा है, अब जो आने वाला है वो बोया का माइक्रोफोन से आएगा। तो 6 मीटर का वायर है, मैं 6 मीटर दूर तक जाता हूँ। साउंड कैसा आता है आप लोग बताइएगा, ओरिजिनल माइक्रोफोन में और डुप्लीकेट माइक्रोफोन में कितना फर्क है वो भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो अभी देखिए, हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो वेलकम टू टिप्स एंड टेक्निक्स, हेलो 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 माइक टेस्ट, हेलो 1 2 3 चेक, हेलो। आप लोग जो जो बोया का माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं इस साउंड का, और आप जो ओरिजिनल बोया माइक्रोफोन का यूज कर रहे हैं उस साउंड का क्वालिटी कितना फर्क है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपका
आप लोग का कमेंट ही मेरे लिए हौसला बनेगा। आपका एक कमेंट मुझे बहुत बहुत हौसला मिल सकता है, तो कृपया अपना राय कमेंट में जरूर लिखे। अगर ये सच में डुप्लीकेट है तो इसको मैं रिटर्न करूंगा। थैंक यू दोस्तों।